नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है एक और वीडियो में न्यू uh, ईयर 2024 में हम एंटर हो चुके हैं एंड नेक्स्ट जो इंटेक्स रहते हैं वो मई सितंबर या जनवरी 2025 रहते हैं हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कनाडा की कनाडा uh, में जीआईसी डबल हो चुकी है 10,200 पहले जी डिपॉजिट जाता था अभी ट्वेंटी थाउजेंड जाएगा बट इसमें एक फॉर्चुनेटली जो एक सेफ साइड है वो ये है कि हमारा जो जी आई सी है वो सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी डॉलर हमें फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा अगर हम पहले की बात करें तो पहले हमें टेन थाउजेंड डिपॉजिट में से टू थाउजेंड आपको पहले मिलता था मीन्स आपकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट रहती थी एंड जो एलेवन इंस्टॉलमेंट्स थी वो वो रिमेनिंग जो अमाउंट है एट थाउजेंड डॉलर्स का उसकी रहती थी तो जी बढ़ाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए लिविंग एक्सपेंसेस का है क्योंकि स्टार्टिंग से जी आई टेन थाउजेंड चल रही थी जब से जी को इंट्रोड्यूस किया गया तो बढ़ते हुए लिविंग एक्सपेंसेस को देखकर इन्होंने जी को डबल किया बट यहाँ पे जो आ, सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डॉलर्स में से सिक्स वन नाइन जीरो डॉलर्स मीनस अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी टू हंड्रेड डॉलर्स आपको इमीडिएटली जब आप वहाँ पे अकाउंट ओपन प्रोसेस करेंगे तो आपको इमीडिएटली फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा जो कि आपके इनिशियल लिविंग एक्सपेंस प्लस जो एक्सपेंडिचर होते हैं आपके डे टू डे सामान लेने के लिए उसमें कवर हो जाते हैं बट ये आपकी चॉइस है कि आपको उस चीज़ को कैसे स्पेंड करना है ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने सिक्सटॉलमेंट वन नाइन्टी दिया तो वो आपको लिविंग एक्सपेंस में ही लगाना है और जो बाकी के अमाउंट्स हैं वो इलेवन इंस्टॉलमेंट वन थ्री वन थ्री 1313 डॉलर्स आपको पर मंथ मिलेगा जो कि पहले काफ़ी कम मिलता था अराउंड आप मानकर चलिए कि 8000 डॉलर्स इनटू 11 इंस्टॉलमेंट में मिलता था तो अब आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है आ, वो आपको 11 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा बट जो इंस्टॉलमेंट है वो थर्टीन थर्टीन की रहेगी वन डॉलर्स की रहेगी तो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन जो चल रही है अभी सेप्टेम्बर इनटेक हम ज़्यादा प्रोजेक्ट करेंगे मे इंटेक एक अगर हम देखें अच्छे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में इस वक्त नहीं है अगर अच्छे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑल ओवर कनाडा में हैं अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे से अच्छे कॉलेज़ हैं अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि सर कैलगरी में ही करना है सर एडमिटन में ही करना है या सर विनीपेग में ही करना है तो वहाँ पर क्या होता है की जो ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड होते हैं और इनटेक भी साल में कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज़ हैं जहाँ पर साल में एक ही इनटेक होता है तो वहाँ पर एडमिशन प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल होता है अगर एडमिशन मिल भी जाए तो डेफ़र पॉलिसीज़ इनकी फ़ेवर में नहीं होती है इनकी डेफर पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि अगर आपने अप्लाई किया है अप्लाई करने के बाद अगर आपको डेफ़र करना है तो उसके लिए आपको अपना ट्यूशन फ़ीस रिफ़ंड लेना पड़ेगा देन आपको फिर न्यू ऑफ़र अप्लाई करना पड़ेगा फिर ट्यूशन फ़ीस पे करना पड़ेगा तो इसमें बहुत लॉस हो जाता है अगर हम इसमें फॉरेक्स लॉस देखें तो हमने पहले पैसे वहाँ पे भेजने दिन वापस दिन भेजने तो अप्रॉक्सीमेटली टू लैक्स का लॉस यहाँ पे हो जाता है अनफॉर्चुनेटली तो इस चीज़ पे आ, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं उनकी डेफर पॉलिसी फेवर में होनी चाहिए तो जो इन रीजन के कॉलेजेस हैं एक तो उनमें इनटेक इजीली अवेलेबल नहीं है और उनकी डेफ़र पॉलिसीज़ फ़ेवर में नहीं है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा रेकमेंड इस साइड के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं करते हैं ऑल हम डील करते हैं इन सब यूनिवर्सिटीज़ के साथ में और कॉलेज के साथ में जैसे मैक्यूवन यूनिवर्सिटी के साथ हम वर्क करते हैं और एन uh, के साथ अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में हम वर्क करते हैं और सक्सेसफुली एडमिशन भी करवाई है स्टूडेंट की और सक्सेसफुली वीज़ा लग के स्टूडेंट वहाँ पर अपनी स्टडी फी स्टडी कंटिन्यू कर चुके हैं तो ऐसा नहीं कि हम वहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ में वर्क नहीं करते हैं बट वहाँ की जो पॉलिसीज़ है वो थोड़ी सी फेवर में नहीं है तो अब बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन जो हैं वो वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज जैसे कि कॉनेसटोगा जिनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है कैनाडोर कॉलेज एलगोमा यूनिवर्सिटी सेंटीनियल कॉलेज हम्बर चैलडन सैनिका जॉर्ज ब्राउन जॉर्जन इन सब कॉलेज़ के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं और अगर इनटेक की बात करें सितंबर 24 एंड जनवरी 25 के लिए हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए मे इनटेक के लिए कुछ एक कॉलेजेस uh, ही अवेलेबल हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता हूं बट अगर आपके माइंड में है कि मे में ही जाना है तो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कॉलेजेस सब के सब ऐसे हैं जहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है विदाउट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या पाथवे uh, प्रोग्राम्स वाले कोई भी कॉलेज या फिर ब्रिजिंग प्रोग्राम्स वाले कोई भी कॉलेजेस के साथ हम डील नहीं कर रहे हैं तो अगर वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वीज़ा चांसेस कैसे रहने वाले हैं 2024 में अगर हम कंपेयर करें 2023 से अगर सेम रहता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 23 में बहुत ज़्यादा अच्छे वीज़ास मिले और बहुत कम रिफ्यूज़ल ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के भी वीज़ास निकले हैं जिनकी चार पाँच रिफ्यूज़ल्स थी दस दस साल के गैप थे जिन्होंने गैप में कुछ भी नहीं किया था उनके भी वीज़ास निकले हैं मीन्स अप्रूव हुए हैं तो हम यही प्रोजेक्शंस मान के चल रहे हैं क्योंकि जो इमिग्रेशन का टारगेट है जो उनके न्यू कमर्स का टारगेट है वो लगभग बराबर है इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये प्रोजेक्शन लगा सकते हैं कि वीज़ाज़ के चांसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं ट्वेंटी फ़ोर में और हम भी यही चाहते हैं कि सबके वीज़ा आएँ और स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनका वीज़ा अप्रूव हो जी ए सी डबल हुआ है नो no डाउट इससे आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन रहेगा यहाँ से एंड uh, इसके साथ साथ आयल्स की रिक्वायरमेंट भी कम हुई हैं जैसे कि पहले एस टी एस में क्वालिफाई करने के लिए आपको सिक्स ईच चाहिए थे अब ओवरऑल सिक्स ईच आपका चाहे जितना मर्जी हो आपके एक मॉड्यूल में फोर पॉइंट फाइव और फोर और फाइव और फाइव पॉइंट फाइव भी क्यों ना हो एज़ लॉन्ग एज़ आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज एक्सेप्ट कर रही है देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप डुलिंगों के साथ में भी एडमिशन ले सकते हैं अपने कॉलेज में या अपने यूनिवर्सिटी में एम्बेसी में आप ओवरऑल सिक्स का आइल्स का टी आर एफ लगा सकते हैं चाहे आपको इंडिविजुअली फोर या फोर पॉइंट फाइव या फाइव भी क्यों ना हो तो हमारे पास वीज़ा अप्रूव हुए हैं विद ओवरऑल सिक्स नॉट लेसन फाइव पॉइंट फाइव विद अगर आप पीजी में भी देखें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी बट एडमिशन के लिए आपको डीलिंग को करना पड़ेगा तो ये हैं कुछ न्यू ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर की प्रोजेक्शंस जो हम मान के चल रहे हैं आई की तरफ से होनी चाहिए बाकी रियल ग्राउंड्स पर क्या होता है वो देखना भी बाकी है क्योंकि अभी रिजल्ट तो टू में नहीं देखने को मिले हैं फॉर्चुनेटली आने वाले दस पंद्रह दिन में रिज़ल्ट हमारे पास रहें तो इसी के साथ में हाँ वीडियो को एंड करते हैं आपको मिलते हैं एक और वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद